हाइकोर्टे भरतपुर थाना मामलार शुणी मेजर बांधवी आघात रिपोर्ट दाखल करने को निर्देश देते कोर्ट मेजर बांधवी एम्स मेडिकल इंजुरी रिपोर्ट दाखल करने को क्राइमब्रांच को निर्देश देते अक्टोबर तीन रे मामलार परवर्त शुणा भरतपुर थाना रे मेजर बांधवी ना होता मामला खारज करने को आवेदन होता थाना रे पुलिस अधिकारी आक्रमण और कामुड़ी अभियोग मामला रुजु मामला खारज करने को हाइकोर्टे आवेदन होता मामलार शुणा समय खंडपीठ मेजर बांधवी विरक्ति प्रकाश कर सूचना मिली तो मेजर बांधवी नाँ मामला खारज पर जो आवेदन होता तार शुणी हो तार शुणी कर गुरुत्वपूर्ण कथा कोर्ट कहते मेजर बांधवी नाँ मामला खारज पर आवेदन होता भरतपुर रे मेजर बांधवी को दुर्व्यवहार मामलें बड़ खबर आसी पहुंचुची युवती एम्स मेडिकल रिपोर्ट बा इंजुरी रिपोर्ट दाखल करने कोर्ट निर्देश देते क्राइम ब्रांच को हाइकोर्ट यह निर्देश देखा सूचना मिली एवं बांधवी विरक्ति प्रकाश करक्टोबर तीन रे मामलार परवर्ती शुणा हो मेजर बांधवी नाँ मामला खारज पर यह आवेदन करोर्ट ये आवेदन शुणी कर एम्स रो इंजुरी रिपोर्ट बांधवी ताहा क्राइम ब्रांच खूब शीघ्र दाखल करू सौम्यरंजन चौधरी आम कटक प्रतिनिधि फोनलाइन उपस्थित रही सौम्यरंजन ए मामलार शुणी कर हाइकोर्ट कौन कही विरक्ति भी प्रकाश करवी सहित एम्स रो इंजुरी रिपोर्ट दाखल करने क्राइम ब्रांच को निर्देश रही देखो सुप्रिया ये जो भरतपुर घटन मेजर को बांधवी नाँ पुलिस जो मामला करा से मामला खारज करने हाइकोर्ट आवेदन करते मेजर को बांधवी मेजर को बांधवी को पूर्व हाइकोर्ट जमीन प्रदान कर सारी आज जो मामला विचार आरंभ होगा यही समय हाइकोर्ट विचारपति कहले कि मेजर को बांधवी जेहेतु एम्स ट्रिटमेंट होते तेणु एम्स मेडिकल जांच बेले इंजुरी रिपोर्ट और तर कौन ट्रिटमेंट है ए संपर्क में सविशेष तथ्य घटना जी जांच कर क्राइम ब्रांच एने सविशेष तथ्य हाइकोर्ट को परवर्ती तारीख सुधा जनइब मामलार परवर्ती तारीख रही है अक्टोबर तीन तेज बांधवी नाँ भरतपुर थाना जो मामला करजे बांधवी से युवती जन चाहूते ए मामला पुलिस भूल क्रमे करेणु खारज करा से संपर्क में हाइकोर्ट आज कौन से स्पष्ट करना तेणु अक्टोबर तीन में जितेबाला हाइकोर्ट क्राइम ब्रांच ठू इंजुरी रिपोर्ट पाए प्रकृत में इंजुरी कौन होता है ट्रिटमेंट से अनुजाई कि नाई ए संपर्क में से अक्टोबर तीन तारीख दिन ही निष्पत्ति हाइकोर्ट एथपाई विरक्ति प्रकाश कले कि बांधवी जो अभोग अभोग आधार में पुलिस यही घटन गोटे संवेदनशील घटन एपर्तंत पदक्षेप कौन नहीं अर्थात घटना तदन कर क्राइम ब्रांच पदक्षेप कौन नहीं जो पुलिस अफिसर नाँ अभोग आरुद्ध में कौन कार्यानुषान प्रकृत में सीसीटीवी फुटेज घटना को कहीं रेकर्ड करना सीसीटीवी नहीं तेज हाइकोर्ट जेहतु पूर्व गोटे मामलें सोमोट निज आड़ हाइकोर्ट निज आड़ गोटे मामला कर थाना तुरंत सीसीटीवी लगा जाऊ ये पदक्षेप निगला कि नहीं अर्थात हाइकोर्ट संपूर्ण रूपे जन युवती को थाना भितर दुर्व्यवहार भाई अभोग आसाक अत्यंत गुरुत्व सहित ग्रहण करेणु मान्यवर हाइकोर्ट विरक्ति प्रकाश करने सहित परवर्त तारीख सुधा जो युवती इंजुरी रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट को दाखल करने तेणु एम्स युवती जनकर कौन मेडिकल चेकअप होता से अनुसार आम कौन ट्रिटमेंट करविशेष तथ्य क्राइम ब्रांच परवर्त समय रखा और क्राइम ब्रांच रे आईओ थे अर्थात तदनकारी अधिकारी से निजे आज कोर्ट में उपस्थित थे से मान्यवर कोर्ट को जनाई घटना घटा पर यह अभोग सामना को आसला जो पुलिस अधिकारी भितर अभोग आ विरुद्ध डिपार्टमेंटल एक्शन अर्थात विरुद्ध में विभाग कार्यानुषान पुलिस डिपार्टमेंट सस्पेंड कर सहित यह घटन मामला तदंत जारी रही समस्त जेरा करुवती प्रथम जो घटना शिकार होते अर्थात रोड रोमियो पुरुष बंधु को दुर्व्यवहार करते से गिरफ्त कर सारी तेणु गोटे पटे क्राइम ब्रांच कौन पक्ष कौन रही आज शुणा समय देखो युवती पक्षर केवल गोटे युक्ति कि भरतपुर थाना जो मामला से मामला संपूर्ण रूपये बेआईन ना कहीं मामला तेणु भरतपुर थाना मेजर का बांधवी जो मामला से आधार में हाइकोर्ट जो आवेदन करते दुईट आवेदन से करते गोटे हूँ जमीन मिलू और अंटी होना होता मामला को खारज करेणु मामला बर्तमान समय एपर्त खारज होना
तेणु परवर्ती अक्टोबर 3 तारीख में जो रही तारीख रही तारीख में जितने इंजुरी रिपोर्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट रेकर्ड जो क्राइम ब्रांच दाखल करते मान्यवर कोर्ट निष्पत्ति ने कि प्रकृत में कौ ग्राउंड मामला सुनानी होची एवं कौन राय हाईकोर्ट ये उपरे दौछंती मामला खारज होची ना नहीं जहां मेजर को बांधवी को नारे करा जाय छी रुजू करा जाय छी ता उपरे सुनानी अक्टूबर 3 रे हेबो ता उपरे नजर रही छी। अनेक अनेक धन्यवाद अधिक सूचना पाई।